की इस कक्षा में हम दशमलव संख्याओं के घटाव सीखेंगे। यह है प्रश्नावली 6.6। तो ये प्रश्न नंबर एक का पहला नंबर 47.85 घटाव 15.50। आइए इसे स्तंभ में लिखते हैं और स्तंभ में लिखने से ये ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, दशांश के नीचे ठीक नीचे दशांश हो, शतांश के नीचे शतांश हो, इसी तरह इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। और जिस तरह से सामान्य संख्याओं में हम घटाव करते हैं, इसमें भी घटाव करेंगे। तो 5 से 0 5, 8 से 5 घटाएंगे 3, और दशमलव की जगह पर दशमलव होगा। 7 से 5 घटाएंगे तो 2, 4 से 1 घटाएंगे तो 3। अब इसका दूसरा प्रश्न है, ये है 7.05 घटाओ 3.25। इसे भी स्तंभ में लिखते हैं और वही तरीका अपनाते हैं, अर्थात दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। तो इसे भी हम घटाते हैं, 5 से 5 0, और ये 0 से 2 नहीं घटेगा तो ये हासिल लेंगे, तो ये 10, 10 से 2 गया हमारा 8, और ये यहाँ पर दशमलव था दशमलव, यहां से 7 से 1 हासिल लिए तो 6 बच गया, तो 6 से 3 3, तो ये हो गया 3.80। अब तीसरा नंबर को हम हल कर रहे हैं, 8 से 8 गया 0, 0 से 9 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे 10, 10 से 9 गया 1 1, और ये फिर दशमलव, यहाँ 3 था 3 हो गया, तो 3 से 0 3। चौथा नंबर देखिए, 0 से 8 घटाना है, नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, तो ये 10 से 8 हो गया 2, और यहाँ पर ये एक हासिल ले लिए 5 से, तो 4 बचा, 4 से 2 तो 2, ये 8 से 0 हो गया 8 दशमलव, ये 1 से 7 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे 11 11 से 7 हो गया हमारा 4, यहाँ 1 बचा और ये हो गया 11 11 से 4 7। पांचवा नंबर, यहां पर देख रहे हैं 40.28, और ये हजारवे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम यहां अपने से 0 बैठा देंगे, कुछ नहीं कहा था 0, तो अब हम घटाएंगे 0 से 8 तो नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे 10, इधर से 8 से 1 लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 से 8 2, ये 7 हो गया तो 7 से 2 5, और यहाँ पर ये 2 है तो फिर हमें इधर से हासिल लेना होगा, तो ये 12 हो गया, 12 से 7 5, और ये 9 हो गया था तो 9 से 0 9, और यहां से हमने हासिल लिया था तो ये 3। तो दशमलव संख्या का घटाव हम इसी तरह से करेंगे। असली जो सावधानी है जो हमें रखनी है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे, और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, शतांश के नीचे शतांश, दशांश के नीचे दशांश, हजारवें के नीचे हजारवां, इस तरह से हम लिखेंगे, घटाने में हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 2, प्रीति के पास 75.50 रुपये हैं, उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचे? आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीति के पास कुल रकम, तो ये कितने हैं, 75.50। अब पेन खरीदने में उसने कितना खर्च किया, 25 रुपए, यानी 25.00। यहां गौर करें कि हमने दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, और इसी तरह से हमने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। आइए इसे हम घटाते हैं, 0 से 0 घटा तो हो गया ये 0,
पांच से शून्य कटा तो पांच, और उसके बाद ये दशमलव है, हाँ दशमलव, पांच से पांच शून्य हुआ तो पांच से पांच दिया तो ये शून्य हो गया, और सात से दो घटा तो ये पांच, तो ये हमारा आ गया 50.50 रुपए, जो प्रीति के पास अब शेष रकम है। अब प्रश्न संख्या तीन देखते हैं। यह है, रावल के पास कुल 175 रुपये थे, उसने अपने दोस्त को 45.50 उधार दिया, अब रावल के पास कितने रुपए बचे? ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे, रावल के पास कुल रकम तो ये है 175 रुपये, 175 रुपये, और दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो हम अपने से यहां शून्य बैठा रहे हैं। अब उसने दोस्त को कितना दिया है, 45.50 ये दोस्त को उधार दिया है, तो अब इसे घटाते हैं। यहां भी वही ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव होगा, इकाई के नीचे इकाई होगा, दहाई के नीचे दहाई होगा, सैकड़े के नीचे सैकड़े होंगे, और दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। तो अभी घटाते हैं इसे, शून्य से शून्य गया शून्य, ये शून्य से पांच नहीं घटेगा, तो यहाँ हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 से पांच घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये दशमलव की जगह तो अपना दशमलव होगा। इस 5 से हमने एक हासिल ले लिया था, तो 4 बज गया, तो इधर से फिर हम एक हासिल लेंगे 7 से, तो ये 14 हो जाएगा, 14 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 9, ये हो गया। अब यहां से हमने एक हासिल 7 से ले लिया था, ये 6 बज गया, 6 से 4 हो गया, तो ये हो गया 2, और ये 1, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है, यानी शून्य है, तो 1 से शून्य कट गया तो ये 1 हो गया, तो ये हमारा आ गया 129.50। इसे थोड़ा सा और साफ से लिख देते हैं, एक सौ 129.50। प्रश्न संख्या 4। रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़े से पर्दा बनाई, रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। रवीना के पास कुल कपड़ा, तो ये जो मीटर और सेंटीमीटर में है इसे हम मीटर में बदल लेंगे, और ये मीटर में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, वो हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 14.07 मीटर। इसी तरह से पर्दा बनाने में लगा कपड़ा 7.05 मीटर, तो आइए इसे घटाते हैं। इसमें फिर हमने वही ध्यान रखा है कि दशमलव के नीचे दशमलव होगा और दशांश के नीचे दशांश, इस तरह से, तो 7 से 5 घटेगा तो 2, शून्य से शून्य घटा तो ये शून्य, ये दशमलव, और ये 14 से 7 घटा तो 7, ये इतना मीटर कपड़ा उसके पास अब बच गया है। अब पांचवा नंबर प्रश्न। राधा ने 5 किलोग्राम और मोहन ने 4 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा, बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक? तो फिर उसी तरह से हम 4 किलोग्राम 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, और ये 5 किलोग्राम को भी, ये तो 5 किलोग्राम में है ही, तो राधा के द्वारा खरीदा गया चावल 5 किलोग्राम अर्थात 5.000 किलोग्राम, मोहन के द्वारा खरीदा गया चावल 4.500 किलोग्राम। ये स्पष्ट हम देख रहे हैं कि राधा ने अधिक चावल खरीदा है, तो राधा के द्वारा खरीदे गए चावल से हम मोहन के द्वारा खरीदे गए चावल को घटाते हैं, तो शून्य से शून्य ये शून्य हो गया, फिर शून्य से शून्य शून्य हो गया। अब यहां पर ये शून्य है तो ये किधर से हासिल लेंगे, 10, 10 से 5 घटा तो 5 आ गया,
और यहाँ 10 मलो, और ये 5 से 1 हमने हासिल ले लिया था, तो 4, 4 से 4 ये 0 किलो ग्राम। अर्थात किसने अधिक खरीदा था? राधा ने खरीदा था। और कितना अधिक चावल खरीदा था? 0.5500 किलोग्राम। तो इसे फिर से लिखते हैं, उत्तर राधा ने अधिक चावल खरीदा। ये एक भाग हो गया आंसर का, कितना अधिक खरीदा? तो राधा ने मोहन से 0.500 किलोग्राम अधिक चावल खरीदा। प्रश्न संख्या 6। रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा, उसमें से 2.500 किलोग्राम आलू, 1.500 किलोग्राम टमाटर और शेष प्याज था। बताइए कितना प्याज था? तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि ये आलू का जो वजन है और टमाटर का वजन, इसे जोड़ देंगे, और इस जोड़ को जो कुल सब्जी है उससे घटा देंगे, तो हमें प्याज का वजन निकल जाएगा। तो आइए पहले हम आलू और टमाटर के वजन को जोड़ते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, खरीदे गए आलू का वजन 2.500 किलोग्राम, खरीदे गए टमाटर का वजन 1.500। तो इसे जोड़ते हैं, 0 और 0 हमने जोड़ा तो 0 हो गया, ये 0 और 0 तो 0 हो गया, 5 और 5 का 10 का 0 हो गया, 1 हासिल हो गया, और यहाँ 10 मलो, 2 और 1 3 1 हासिल जोड़ दिया तो 4। तो आलू एवं टमाटर का हमारा कुल वजन हो गया 4.000 किलोग्राम। अब दूसरे भाग में देखते हैं, कुल खरीदे गए सब्जी का वजन ये कितना था? 10 किलोग्राम। तो ये हमने लिखा 10.000 किलोग्राम। और आलू एवं टमाटर का कुल वजन अभी हमने निकाला है 4.000 किलोग्राम, इसे यहां लिखते हैं 4.000 किलोग्राम। अब इसे हम घटाते हैं तो हमें प्याज का वजन मिल जाएगा, तो 0 से 0 घटे 0 हो गया, ये 0 से 0 0 हो गया, 0 से 0 घटाया तो 0 हो गया, और ये 10 मलो, 10 से 4 घटाया तो 6। तो प्याज का कुल वजन हमें मिल गया जो खरीदा गया था, 6 किलोग्राम।